आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट का उपयोगिता WPW सिंड्रोम के पेशेंट्स में। WPW सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की नली जो कंडक्शन पाथवे है उसमें एक एक्सेसरी चैनल या एक एक्स्ट्रा चैनल होता है जिससे करंट बहुत रैपिडली कंडक्ट हो सकता है, और कभी कभार जब ऊपर के चेंबर्स की गति बहुत ज़्यादा हो तो ये एक्सेसरी पाथवे के थ्रू इतना रैपिडली करंट कंडक्शन हो सकता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। WPW सिंड्रोम्स के ECG में एक डेल्टा वेव होता है। एक्सरसाइज के दौरान या ट्रेडमिल के दौरान हम ये असेस करते हैं कि वो डेल्टा वेव वहाँ परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डेल्टा वेव परसिस्ट कर रहा है और रैपिड रेट कंडक्शन भी अलाउ कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सरसाइज पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे लोगों में EP स्टडी या एब्लेशन लगने का चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। अगर वो डेल्टा वेव परसिस्ट नहीं कर रहा है और नॉर्मल कंडक्शन पाथवे पे ही थ्रू कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कंडक्शन पाथवे बहुत वीक है और रैपिड रेट्स में कंडक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वैसे केसेस में आप EP स्टडी और एब्लेशन को या बड़े ट्रीटमेंट को डिफर कर सकते हो, सिर्फ दवा पर ही काम चला सकते हो, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े ऐसा हो सकता है।